वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सहस्रभुजं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु अभी आधा घंटा और लगा देगी, इसलिए तो क्लास स्टार्ट होने से एक घंटा पहले ही आ जाती हूँ। अनिशा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ज्योति के पास अपनी कई गाड़ियां हैं, ड्राइवर हैं, फिर वो रोज तुम्हें क्यों परेशान करती है? तुम्हारा पेट्रोल बचाने के लिए। आइए वर्मा जी, बैठिए बैठिए। अरे भाई, इन दोनों सहेलियों का तो आपस में इतना प्यार है कि लोग मिसाल देते हैं कि ये दो जिस्म एक जान है। अगर ज्योति अलग गाड़ी में जाएगी तो दोनों अलग नहीं हो जाएंगी? अरे ये दोनों तो कभी अलग नहीं होंगी, मगर एक बात बताइए, आज आपको इस दोस्त की याद कैसे आ गई? अगले हफ्ते तुम्हारी भतीजी की शादी है, उसी का निमंत्रण देने आया हूं। शुक्रिया, मुबारक हो वर्मा साहब, मुबारक हो। अशोक शर्मा, सन ऑफ दिवाकर शर्मा। दिवाकर शर्मा, ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, तुम इन लोगों को पहचानते हो? वो जो मेरा मैनेजर है ना दिवाकर, उसी के बेटे के साथ चंदा की शादी हो रही है। वर्मा जी, मुझे वो बात आज भी याद है कि एक दिन भूल से जब आपका नौकर आपके कमरे की खिड़की खुली छोड़ गया, तो आपने उसे नौकरी से ये कहकर निकाल दिया था कि तुम्हारी भूल बाहर की धूल मेरे घर में ले आई। आप धूल का तिलक कब से लगाने लगे? क्या करो धर्मदास, मेरी बेटी की जिद ने मेरा सर इतना नीचा झुका दिया कि वो धूल मेरे माथे से लग गई। वर्मा, अगर मेरी बेटी ऐसी जिद करती तो मैं उसे गोली मारकर खुद फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता।
मगर किसी नौकर के बेटे से उसकी शादी कभी नहीं होने देता। कुछ भी बोलो, अंकल की बातें सुनकर आज मैं बहुत डर गई। तू डरती बहुत है, इसलिए तो शायद किसी को अपना महबूब नहीं बना सकी। मुझे देख, अगर मैं भी तेरी तरह डरपोक होती तो शायद मेरे पास दीपक जैसा महबूब ना होता। अरे पगली, ये क्यों भूल रही है कि मेरा भी एक महबूब है और एग्जाम के बाद उसके पास मैं लंदन जा रही हूँ। लेकिन डर तो इस बात का है कि तेरा महबूब गरीब है और तेरे डैडी को गरीबों से सख्त नफरत है। नफरत और मोहब्बत में जब भी जंग हुई है तो जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है, और देख लेना यहाँ भी जीत मोहब्बत की होगी। डैडी की कोई बात नहीं करना। ओके। हाय। हाय। कमाल है, ये तो दुनिया का आठवां अजूबा हो गया कि दो लड़कियां एक साथ बैठी हैं और फिर भी खामोश। जनाब का इंतजार करते करते हम दोनों ने इतनी बातें की कि थककर चुप होना पड़ा। आप लोगों का क्या है, झट से गाड़ी में चाबी लगाई और कॉलेज के अंदर। मुझे अपनी इस बेचारी मोटरसाइकिल को धक्के दे दे कर कॉलेज में लाना पड़ता है। अगर तुम लोग यही खड़े खड़े अपनी मुसीबत की कहानी सुनाते रहे तो क्लास टीचर हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। ओह, चलो ना। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हर साल की तरह आपकी क्लास पिकनिक पर जा रही है। जो लोग जाना चाहते हैं अपने हाथ उठाएं। नहीं ज्योति, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज। आप लोग ऑफिस में जाकर अपने अपने पैसे जमा करा दें, ठीक है? अब आप लोग जा सकते हैं। मजा आ गया वैसे तो। डैडी, आप मेरे कमरे में? हाँ, जो बात मैं तुमसे करने आया हूं मैं नहीं चाहता कि कोई और सुने। ज्योति, तुम तो जानती हो कि जब हमारे नौकर भी सब्जी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं, तो फिर ये मोटरसाइकिल पर बैठ के घूमने का तुम्हें शौक कहां से हुआ? डैडी, जब तक मैं इस चार दीवारी और कार में कैद थी तो मुझे वही जिंदगी अच्छी लगती थी, मगर जब मैं इस कैद से बाहर निकली तो मुझे बाहर की हवा में बहुत सुकून मिला। तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर की हवा अपने साथ ऐसी गंदगी लेके उड़ती है कि जब किसी के दामन पर लग जाए दुनिया की कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती। इससे पहले कि कोई गंदगी हमारे नाम को दागदार कर दे, बेहतर है कि कल के बाद तुम इस घर के बाहर नहीं जाओगी, कॉलेज भी नहीं। डैडी, आपको नहीं लगता कि आप अपनी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बाप को जालिम होने पर मजबूर नहीं करोगे। रामू जी, ज्योति अभी तक अपने कमरे में है क्या? ज्योति बिटिया तो सुबह ही काली चली गई। क्या, मेरे मना करने के बाद भी उसने बाहर जाने की हिम्मत कैसे की? कैसे का क्या मतलब, हिम्मत तो मोहब्बत अपने आप पैदा कर देती है। मगर तुम कुछ भी कहो ज्योति, तुमने घर से निकलकर अंकल की बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। तो तुम क्या चाहती हो, मैं दीपक से दूर घर में कैदियों की तरह जिंदगी गुजार दूं? नहीं निशा, नहीं, मुझे दीपक के साथ रहकर मरना तो मंजूर है मगर उसे दूर रहकर जीना गवारा नहीं है। ओके लैला की आत्मा, जो तेरे दिल में आए कर, मगर भगवान के लिए अपना मूड ऑफ मत कर वरना पिकनिक का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। अरे ज्योति, ये दीपक कहाँ चला गया? पता नहीं, वो देखो नवाब साहब बड़े आराम से टहलते चले आ रहे हैं। ओह हाय शीला, हाउ आर यू? सब लोग तुम्हारे
का इंतजार कर रहे हैं, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे देर कहाँ लगाई मैडम, यहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे थे, वहाँ मैं बस का इंतजार कर रहा था। क्यों, आज तुम्हारे उड़न खटोले को क्या हो गया? तुम्हारी पिकनिक की भेंट चढ़ गया। क्या मतलब? मतलब साफ है देवी जी, मैं ट्यूशन पढ़ाकर जितना कमाता हूँ वो तो पिकनिक के लिए भर दिया, और बाकी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल और आपकी जुबान में उड़न खटोले को बेच दिया। जब मैंने पिकनिक के पैसे भरने को कहा था तो गुस्से से लाल पीले हो गए, अब अपनी मोटरसाइकिल बेचते हुए तुम्हें अच्छा लगा? बिल्कुल, मेरी चीज थी, बेच दी। वाह जनाब वाह, मेरा भी उस पर बराबर का हक था, मैं उस पर हर रोज बैठकर जाती थी, मुझे पूछे बगैर उसे बेचा क्यों? जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे तुम्हें सवारी की क्या जरूरत है, तुम्हें अपनी बाहों में ले जाऊंगा। मुझे किसी की बाहों की जरूरत नहीं है, और तुम मुझसे बात भी मत करना। ठीक है, नहीं करता, मगर एक शर्त है। तुम्हें सारी दुनिया के सामने चिल्लाकर बोलना पड़ेगा कि दीपक आई लव यू। मैं पागल नहीं हूँ जो चीखती फिरूं। ठीक है, तो मैं चिल्लाकर बोल दूंगा कि तुम्हारे दिल का हाल क्या है। Thank you.
अच्छा तो यही है वो लड़का जिसके खातिर तुमने मेरा हुक्म ना मानने की हिम्मत की। इसे इतना मारो कि आइंदा मेरी बेटी की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। जाओ। अगर किसी ने दीपक को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो ये दीपक है तो इसको हाथ लगाने की क्या जरूरत है? ये तो हमारी एक फूंक से बुझ जाएगा। इस दीपक के चारों तरफ मोहब्बत की ऐसी दीवार खड़ी है कि फूंक तो क्या, जुल्म की आंधी भी दीपक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये बात है तो हम अभी तुम्हें दिखा देते हैं कि ये दीपक कैसे बुझता है। चलो मेरे साथ, चलो, मैं बोलता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। तुझे अगर आसान मौत दे दी तो तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तेरे को तो तड़प तड़प के मरना चाहिए। इसे इतना मारो कि इसकी हालत देख के हर गरीब मोहब्बत का नाम भी सुने तो कांप उठे। ज्योति, ये क्या कर रही हो? नहीं, हटो, पीछे हटो। ज्योति, तुम पागल हो गई? तुम ये बंदूक पहुंचे थे तो ज्योति, नहीं। छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे। मैं खून से मेरी मांग भर दो। ज्योति, ये क्या पागलपन है? डैडी, मैं दुनिया को बता दूंगी कि जो खून बाप की नजर में गंदा है वही बेटी की नजर में कितना पवित्र है। भरी तो जिंदगी भर मेरी जुदाई में तड़पते रहोगे। सेठ धरमदास, प्यार करने वालों को किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। अपना ये तोहफा अपने साथ लेते जाओ। ये है तुम्हारा ससुराल, यहाँ तुम्हें कई तरह के आराम मिलेंगे। जैसे कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सारी धूप तो घर में ही आ जाती है। और अगर बारिश में नहाने को दिल करे तो नो प्रॉब्लम, मेरी ये छत किसी को अंदर आने से नहीं रोकती। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये हवा महल जरूर पसंद आया होगा। दीपक, भगवान की मूर्ति संगमरमर के बनाए हुए मंदिर में रखो या किसी पेड़ के नीचे रखो, लोग दोनों ही जगह श्रद्धा से अपने सर झुकाते हैं। और मेरे लिए ये घर किसी मंदिर से कम नहीं। वाह,
वाह क्या बात है, मजा आ गया भाई, बस मजा आ गया। क्या जवाब दिया इस घोंचू की बात का। अरे ये तुम दोनों के सर पे पट्टी कैसी? अरे यार अमीरी की चट्टान से टकराए थे, चोट तो लगनी थी। मगर चट्टान भी टूट कर बिखर गई होगी, क्यों? अरे यार छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। अरे तू मुझे इनसे क्या मिलवाएगा, मैं तो इनसे कई सालों से हर रोज मिलता आ रहा हूँ। हर रोज? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, वो क्या है, ये जो दीपक है ना तुम्हारा पति, वो हर रोज कई सालों से सिर्फ एक ही बात करता आ रहा है। आज ज्योति मिली थी, ज्योति ने आज ये पहना था, ज्योति ने आज ये कहा, ज्योति ज्योति बस ज्योति, इन बातों के अलावा इसके पास कोई बात नहीं थी करने के लिए। खैर ये जाने दो, मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। मेरा नाम आप है मदन भैया और ये आपकी पत्नी आशा दीदी। अरे कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला, तुम ज्योतिषी हो क्या? जी नहीं, जैसे ये आपके पास रहकर मेरी बातें करते हैं उसी तरह ये मेरे पास रहकर आप लोगों की बातें करते हैं। वाह क्या बात है, साला हो तो ऐसा। ए जी मेरे भाई को गाली मत देना। अरे अरे दीदी साले को साला कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है साले। मैं देखता हूँ। देख देख चलो ज्योति, अच्छा हो गया तुम इस घर में आ गई। आजकल कोर्ट वाले भी गलती करने लगे, मेरे एड्रेस पे किसी और के कागजात भेज दिए। अब तुम ही बताओ भला मेरा कोर्ट से क्या वास्ता? क्यों नहीं हो सकता भाई, आजकल क्या भरोसा किसका वास्ता कोर्ट से कब पड़ जाए। ये देखें तो सही। अबे गधे, घर में लक्ष्मी आई है तो साथ में लक्ष्मी को भी ले आई है। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे दादाजी ने जो 80 साल की लीज पर जमीन दी थी ना, 4 महीने बाद उसकी मुदत खत्म हो रही है। इसका मतलब 4 महीने बाद तुम लाखों के मालिक होगे, लाखों के। है, दीपक इन खुशियों में ये मत भूल जाना कि तेरे एग्जाम सर पर हैं। अरे नहीं यार, डिग्री के बगैर ये सब खुशियां बेमानी है। दिन हुए हैं और तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तो एग्जाम के बारे में पूछ रही थी। मैं बताता हूँ। अरे ये देखो यार। ये देखो ज्योति, मेरे यार ने सारी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। और तुम भी कुछ कम नहीं, तुम्हें भी फर्स्ट क्लास मिला है। मुबारक हो। और एक कुछ करो, ये आर्किटेक्ट बनना है ना, तो खन्ना बिल्डर्स के मालिक से मैंने बात किया, ये 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 उनका कार्ड, आज ही जाकर उनसे मिलना और ये खुशखबरी मुझे बैंक में आकर सुनाना। थैंक्स यार, थैंक यू। ओके बाय बाय। गुड, वेरी गुड। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दीपक तुमने अपने दिल से ये सब डिजाइन बनाए हैं, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हर एक डिजाइन अपने ही एक अंदाज लिए हुए। तुम सपने अच्छे देखते हो, पर उन्हें साकार करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसे मैं खर्च करूंगा। मैं सर, मैंने तो सोचा था आपके साथ रहकर कुछ कुछ तजुर्बा हासिल कर लूंगा, आपने तो मेरे सपनों को साकार करने का फैसला कर दिया। दीपक, इंसान अगर फैसला ही सही कर ले तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती, और तुमसे मिलने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया है कि इस शहर के हर इलाके में खन्ना बिल्डर्स की बिल्डिंगें होंगी और उन तमाम बिल्डिंग्स के डिजाइन तुम बनाओगी।
थैंक यू सर। हाय मदन। ओ हाय दीपक, बैठो बैठो। अरे यार, वो खन्ना से मुलाकात हुई? अरे मुलाकात तो हुई यार, मगर मुझे वो बड़े ही अजीब आदमी लगे। अजीब क्यों, क्या हुआ? अरे पहले ही मुलाकात में अपनी सारी जमीनों की लिस्ट मेरे सामने रख दी और कहने लगे जहाँ जो चाहे बनाओ। अरे वाह। और कहा कि जब भी पैसों की जरूरत हो ऑफिस से आकर ले लेना, बल्कि मेरे खर्चे के लिए 10,000 रुपए का चेक भी दिया है, इसी बैंक का है। अरे वाह, मुबारक हो मेरे यार। थैंक्स यार। अच्छा तुम यही रुकना, मैं अभी चेक कैश करा के लाता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये मदन भाई साहब कहाँ है? जी वो अभी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये ले दीपक, तेरे पैसे। थैंक्स यार, चल मैं चलता हूँ। अरे रुक यार, अभी चाय बोलकर आया हूँ, चाय पीकर जाना। और दिनू जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कसम सपनों की, मैं तो अपनी चेकबुक लेने आया था। यू नो आई हैव टू इशू मेनी चेक्स। यस ऑफ कोर्स, आपकी चेकबुक, ये रही आपकी चेकबुक। थैंक यू। आपको सुनकर खुशी होगी कि मैंने एस्टेट एजेंसी का ऑफिस खोला है। अरे वाह, शायद कभी आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। ये है मेरा कार्ड, प्लीज कीप इट, मेड इन दुबई। हैव यू सीन दुबई? कसम सपनों की, ये रहा मेरा कार्ड, आप मुझे याद कीजिएगा। इस शहर में मैं ही एक ऐसा एजेंट हूँ जो ग्राहक को अपनी पसंद की चीज दिलवा सकता है। अरे शहर तो क्या, अगर आप चाहें तो मैं आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और हैदराबाद का चार मीनार भी आप खरीद सकते हैं। अभी हाल ही मैंने बकिंगम पैलेस का डील करवाया था। अच्छा? ये हमारे है ना, ईश्वरदास नॉर्मल, ये एक परचेज थे। ओहो, क्या बात है। याद कीजिएगा, मेरा नाम दीनदयाल दीनू, मैं वाइस नेवल मीनू। सर, कैन आई हैव योर परमिशन? ओह श्योर श्योर, थैंक यू, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू। ओके, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू आल्सो, प्लीज कीप माय कार्ड, गुड डे। अजीब आदमी है यार। अजीब भी है और काम का भी है, कसम इनके सपनों की, इनको मत भूलना। चाय ले। हेलो सर, बैठिए ना प्लीज। मदन बाबू जो बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल तक पहुंचने में बहुत देर लगती है। ये 2,00,000 रुपए हैं जी, मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा। sure, जल्दी में हूँ, चलता। ओके सर, ओके, सी यू। चलो। ये आदमी तुझ पे इतना भरोसा करता है यार? ये भरोसा मुझसे ज्यादा अपने आप पर करता है, क्योंकि वो जानता है कि उस कसाई का माल ये बकरा नहीं खा सकता। ज्योति 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 ज्योति, क्या मिल गई? मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। क्या? नौकरी तुम्हें पाने के बाद। मिल गई किस्मत तुम्हें पाने के बाद। और अब क्या? I'm not afraid to die.
लाख सारा। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, चलो तुम्हारी पेंटिंग देखते हैं। वाह, कितना खूबसूरत घर है। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ही खूबसूरत घर तुम्हें खरीद कर दूं। इस घर में तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी ना? मुझे क्या तकलीफ है? अपना हर जख्म जो मुझसे छुपाती हो। दीपक, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ, ठीक है दीपक। हर एक घर में एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे में अंदर से एक कड़ी होती है और वो कड़ी इसलिए होती है कि ऐसे नाजुक मौके पर लगा दी। जनाब भाई, तो मैं भी कह रहा हूँ कि घर में एक दरवाजा होता है। उस दरवाजे के बाहर भी एक कड़ी होती है और उस कड़ी को अंदर आने से पहले बजा दिया जाए। समझ गया। आइंदा से ख्याल रखूंगा। ओके, अच्छा तू चल मेरे साथ अभी। कहाँ? अरे यार, तू तो जानता है मैंने की पहली रात में कहाँ गुजारता हूँ। कैसीनो में। राइट। अरे वहां मैं क्या करूंगा यार। अरे तू मेरे लिए लकी बनेगा। और वैसे भी आजकल दौलत की देवी तुझ पर बहुत मेहरबान है। तो तू मेरे साथ चलेगा तो मेरी जीत पक्की। क्यों? अच्छा भाभी, ले जा रहा हूँ। टाटा टाटा भाभी, रुकावट के लिए खेद है, बाय। मेरा 25 लगा इनका पैक और इनकी हाई की ब्लाइंड। और शो मदन बाबू, ये बाजी तो आप हार गए। अरे नहीं साहब, आज तो मैं सिर्फ जीतूंगा, क्योंकि आज मैं अपने साथ एक लकी मैन लाया हूँ। दीपक ये पत्ता खोल दो। दीपक बाबू खोल दो, शायद इसकी अंधेरी किस्मत में दीपक चल जाए। अबे खोलना। देखा? अरे आशा, तुमने इस घोंचू को अपना भाई बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। वो कैसे? वो ऐसे
क्या हजारों के बीच मैं इसे गाली देकर तो बुला सकता हूँ? अबे साले इधर आ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैसे हैं मदन बाबू? अरे शक्ति बाबू आप बैठिए ना। नमस्ते बाबू। नमस्ते। हेलो मदन बाबू जी, मैं 10-15 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ जी। ये 25 लाख रुपए हैं जो मैं फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहता था। अच्छा, अब 3 दिन के लिए आपका बैंक बंद है। हाँ। जैसे ही बैंक खुलता है आप इन्हें जमा करवा दीजिएगा। शक्ति बाबू ये इतनी बड़ी रकम आप मेरे पास? मदन बाबू मैं बिजनेसमैन हूँ, आदमी को देखकर ही अंदाजा लगा लेता हूँ कि किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। आप ये 25 लाख रुपए 5 साल के लिए FD करवा दीजिए। वो तो हो जाएंगे, मगर कहीं आपको बीच में जरूरत पड़ गई तो? हाँ ऐसा है तो फिर आप अपने नाम से जमा करवा दीजिए। मेरे नाम पे? हाँ देखिए 5 साल के बाद तो हमें उतना ही रुपया मिलने वाला है जितना बैंक हमें देगी जी। तो फिर आपके नाम पे हो या मेरे नाम पे हो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना जी, तो मैं चलता हूँ। अरे लेकिन शक्ति बाबू क्या लेंगे आप, चाय ठंडा कुछ? अरे कोई तकल्लुफ नहीं मदन बाबू, कोई तकल्लुफ नहीं, तो मैं चलता हूँ। अरे हाँ मदन बाबू, अगर आप चाहें ना तो ये रुपया किसी बिजनेस में लगा सकते हैं। मैं? हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, जितना बैंक मुझे देगी उतना आप मुझे दे देना। लेकिन शक्ति बाबू ये कम ऑन मदन बाबू, मैं चलता हूँ। ओके सर। अच्छा जी बाय। यार मदन इस पैसे से तू ना कोई बिजनेस शुरू कर दे अब। ना बाबा ना, देख भैया उस बिजनेस में कहीं अगर घाटा हो गया ना तो ये आदमी तो मुझे ठिशुम गोली से ही उड़ा देगा। नहीं मैं जबरदस्ती की मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता। तेरी किस्मत में लगता है जिंदगी भर नौकरी करना ही लिखा है। हाँ लिखा। चलो दीदी मैं चलता हूँ। चलो अच्छा वो चला गया है, अब कुछ पति की सेवा हो जाए है? क्यों? बात है भाई साहब, आप इस बंगले को बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या खरीदने का इरादा है? अगर है तो खरीद लीजिए और अगर नहीं भी है तो इरादा बना लीजिए, क्योंकि आजकल इस बंगले का मालिक बहुत परेशान रहता है। 60-70 लाख की प्रॉपर्टी को 20-22 लाख में बेचने को तैयार है और इसी के सौदे के लिए मुझे यहाँ बुलवाया है। बिकॉज आई एम द ओनली टॉप स्टेप एजेंट फ्रॉम दादर स्टेशन टू दुबई। कसम सपनों की। अरे भाई साहब सोचिए मत, ले ही डालिए, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हीरा पत्थर के भाव बिक रहा है। वो बात तो ठीक है, मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे भाई मैं नहीं जानता, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। अगर आपको खरीदना है तो 2 दिन में ले लीजिए, नहीं तो मैं किसी और को दिलवा दूंगा। बहुत सारे ग्राहक पड़े हैं, डे नाइट दे आर रनिंग आफ्टर मी। और वैसे ही मैं आपको दिलवा रहा था, आप हमारे बैंक के मदन बाबू के दोस्त हैं। एनीवे कीप अकाउंट वंस अगेन मेड इन दुबई, थैंक यू ऑल द होल नाइट। नहीं दीपक नहीं, अरे किसी और की अमानत में तुझे कैसे सौंप सकता हूँ? अरे पगले शक्ति सिंह ने खुद ही तो तुझे कहा है कि तू चाहे तो उसका पैसा बिजनेस में लगा दे। हाँ, वो तो कहा था, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसका पैसा कहीं भी लगा दूं। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप दीपक, ये पैसा कोई गलत काम में लगाने के लिए थोड़े ही मांग रहा है। एक अच्छी जगह अगर सस्ते में मिल रही है तो इसमें हर्जी क्या है? और जमीन के भाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे भगवान ना करे अगर हम 5 साल में इतना पैसा नहीं कमा सके तो उसी बंगलों को बेचकर हम शक्ति सिंह का पैसा चुका देंगे। अरे सोच क्या रहे हैं, फौरन बंगला खरीद लीजिए। ना बाबा ना, मुझे नहीं खरीदना कोई बंगला।
हाँ, ये सारे पैसे मैं तुम्हारे भाई को दे देता हूँ। अब उससे वो भले बंगला खरीदे या आग लगा डाले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात गौर से सुन लेना दीपक, ये शक्ति सिंह बड़ा खतरनाक आदमी है, इसके पैसे वक्त पर मिल जाने चाहिए। हाँ। अरे मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब मेरे भाई को मिल जाएगा उसके ख्वाबों का बंगला। कितनी हसी है ये जिंदगी, हाँ ये जिंदगी।
इश्क हो और तू आशिकी, कितनी हसी है ये जिंदगी। मैं आया था तो कुछ खाने के लिए मंगा ले। अरे जाएगा कहाँ यार, यही कहीं बैठा दारू पी रहा होगा। आ जाएगा, तू फिकर मत कर, खाने की बड़ी फिकर पड़ी रहती तुझे। एक्सक्यूज मी। अरे हम कहीं शराब की धुनकी में किसी और के बंगले में तो नहीं घुस गए भाई? जी बंगला तो आप ही का था, मगर अब मैंने खरीद लिया। आप कहते हैं बंगला मेरा है, और फिर किससे खरीद लिया आपने? जी आपके बेटे से, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। जी ये आप क्या कह रहे? वही जो तुम सुन रहे हो भाई, जब मैंने शादी ही नहीं की आज तक, तो मेरा बेटा कहाँ से आया? मगर उस एजेंट दीनू ने उस आदमी को आपका बेटा के घर मिलवाया था। आप कहीं उस एजेंट दीन दयाल और दीनू की बात तो नहीं कर रहे हैं, जो कोई भी खाली बंगला देख कर वॉचमैन को पटा लेता है और फिर बंगले को बेच देता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस बंगले के असली मालिक थे। इनके पिताजी बड़े देवता आदमी थे। कारोबार में नुकसान हो जाने की वजह से इनको दिल का दौरा पड़ा और इनका स्वर्गवास हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए ये इस बंगले को इसलिए सस्ता बेचना चाहते हैं ताकि उनका कर्जा अदा हो सके। लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते। आपका वो दीनू ऐसे कई बंगले बेचने के अपराध में फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। फंस गया बेटा। देखो दीपक, जो कुछ होना था हो चुका, अब तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मदन यार, तू तो ऐसे कह रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अरे अगले पूरे 22 लाख का सवाल है, 22 लाख का, जो मैं जिंदगी भर नहीं कमा सकता। हाँ, जो तेरे जैसा सोचते हैं वो कभी नहीं कमा सकते, लेकिन जो हिम्मत करते हैं ना, वो 22 दिन के अंदर 22 लाख रुपए कमा लेते हैं। अरे इतने पैसे इतनी जल्दी कमाना, या तो कोई गलत काम करके कमा सकता है या फिर बेईमानी करके। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे लेकिन तुम्हारे पास तो ये पैसा लौटाने के लिए 5 साल हैं, पूरे 5 साल। शक्ति सिंह को ये पैसा कल थोड़ी ना लौटाना है। देख दीपक, तू सिर्फ अपने काम में ध्यान दे, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, डोंट वरी। और आप जरा अपने भाई के भेजे के अंदर कुछ अकल डालिए। पागल, मैं बैंक जा रहा हूँ। जी। हेलो मदन बाबू। अरे शक्ति बाबू, आप बैठिए ना। अगर आज आप मुझे बैठने को नहीं भी कहते ना, तब भी मैं बैठ जाता। मदन बाबू एक बात तो बताइए जी, अगर हम बैंक में कुछ रुपया फिक्स डिपॉजिट करवाएं, हाँ, तो उसका 75% हम जब भी चाहें तो बैंक में दे सकती है ना? ऑफ कोर्स। थैंक गॉड, इज्जत बच गई। क्यों सर, क्या बात है? टोकन नंबर मदन बाबू, हमारे यहाँ करोड़ों का सौदा जबान पे। हर आज मैंने 20 लाख रुपए की एक डील कर ली है, और इत्तेफाक से कहीं से भी कोई भी पैसा आने की उम्मीद नहीं है। और आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेता। आप एक काम कीजिएगा, जो 25 लाख रुपया मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया था ना, उसमें से 20 लाख रुपया आप निकलवा लीजिएगा, मैं आपके ले जाऊंगा। ओके बाय। दीपक अब क्या होगा? भाई तो मैं सोच रहा हूँ, अगर मंडे तक शक्ति सिंह को पैसे नहीं मिले तो वो ना जाने क्या कर बैठे। बेचारा मदन तो हमारी वजह से मुसीबत में फंस गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुमने मुझे अच्छा घर देने के चक्कर में ये मुसीबत मोल ले ली है। अब मैं ही तुम लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। तुम? वो कैसे? मैं डैडी से 25 लाख रुपए मांग लूंगी। नहीं ज्योति, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। दीपक जरा ये तो सोचो
कि पैसों का इंतजाम करना भी तो जरूरी है। वो तो है। ज्योति एक काम करते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, किस्मत आजमाते हैं, हो सकता है भगवान हमें कामयाब कर दे। उठो ज्योति, उठो जल्दी चलो। इस शहर की हर एक रानी प्रकाश के पहलू में रहना चाहती है, और ये तीसरा पत्ता भी रानी है, फिर भी ये बाजी मैं तुम्हें देता हूं। मैं यहां खैरात लेने नहीं आया हूं, मैंने भी बराबर का पैसा लगाया है। अफसोस तो इसी बात का है कि बाजी मैंने अपने बराबर वाले के साथ नहीं लगाई, तुम्हें तो हार के डर से ही पसीना आ गया, और मुझे तुम जैसे छिछोरे आदमी का पैसा नहीं चाहिए। ये काउंटर उठा लो। मैं कोई भिखारी नहीं हूं जो बगैर पते देखे काउंटर उठा लो। यस सर। काउंटर कैश करा के आपस में बांट। प्रकाश बाबू ये तो लाखों का काउंटर है। जानता मगर इसमें इसके भी पैसे हैं, अगर मैंने इस्तेमाल किए तो अफसोस हो। नंबर 9। नंबर 23। बेटे ये पेपर साइन कर। दयाल अंकल ये पेपर्स फाइल चेक बुक्स दिन भर आप मुझे इनमें उलझा रखते हैं, शाम को अपना दिल बहलाने यहाँ आता हूँ, आप मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ते। बेटे ये तो अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया, कल सुबह ये कोर्ट में देने हैं 10 बजे, और आज की सुबह तो 12 बजे से पहले होती नहीं है। ओके और इसको Okay, thank you. Welcome. Yes, yes, yes. Thank you.
आपको कोई ड्रेस पसंद करने की क्या जरूरत है? आप तो कुछ भी पहन लीजिए, उसी की शोभा बढ़ जाएगी। नंबर 9। ये हाय हाय वाओ बारह लाख 80, 12,90,000, 13,00,000 ज्योति पूरे 13,00,000। अगर क्लब एक घंटा भी और खुला होता तो पूरे पैसे आज ही जमा हो जाते। खैर कल बड़ी गेम खेलेंगे, शक्ति सिंह के पैसे भी लौटा देंगे और अपने सपनों का महल भी ले लेंगे। और उस सपनों के महल में होगा प्यार ही प्यार। क्या होगा दीपक, हम तो सारे पैसे हार गए। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? वही जो तुमने 25,000 दिए। जब सब कुछ हार ही चुके हैं तो एक आखिरी बाजी खेल कर देखते हैं, शायद तकदीर हमें कामयाब कर दे। चलो कहते हैं। आई एम दीपक, दिस इज माई वाइफ ज्योति। क्या संगम है,
दीपक, ज्योति और प्रकाश जी। जी हाँ दीपक बाबू, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और आज इत्तेफाक से मैं कई बाजी हार चुका हूं। अगर ज्योति जी मेरे लिए खेलें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी हार जीत में बदल जाएगी। कहीं आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? अगर नहीं, लगी नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था अगर ये हार गई तो क्या होगा, यही ना? आप फिक्र मत कीजिए, ये इल्जाम मैं इन पर नहीं आने दूंगा। ये सोच लूंगा कि मेरा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चलिए ओके प्लीज एक्सक्यूज मी। ज्योति जी, आपने खेल क्यों बंद कर दिया? देखिए अगर मैं लकी होती तो ये बाजी ना हारते। इन्होंने तो ऐसी बाजी जीत रखी है जिसके सामने आदमी अपनी जिंदगी भी हार जाए तो कम है, क्यों दीपक? जी हाँ, इसीलिए तो मैंने अपनी सारी जिंदगी इनके नाम कर दी है। तो फिर हो जाए एक बाजी। देखिए ज्योति जी, मैं ये नहीं चाहता कि आपके दिल में वहम रहे कि आप अनलकी हैं। बड़ी से ओके उस टेबल पर 50 लाख के काउंटर ले। आपको जो नंबर सबसे ज्यादा पसंद हो लगा दीजिए। ये सब? ये सब। प्रकाश बेटे, तुम भी बड़े भुलक्कड़ आदमी, तुम्हें याद नहीं है कितने लोगों को तुमने पार्टी में बुलाया था? आज सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। दयाल चाचा, जो आ चुके हैं उन्हें छोड़ के आने वालों की फिक्र करना कहां की अकलमंदी है। आप काउंटर कैश करा लीजिए। आई सी, गुड। अब तो आप मान गए कि आप लकी हैं। अच्छा प्रकाश बाबू, हम चलते हैं। दीपक बाबू, आपको जबरदस्ती रोकने का मुझे कोई हक नहीं, मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर दीपक और ज्योति प्रकाश के जन्मदिन में साथ रहें तो महफिल की रौनक बढ़ जाएगी। तो आज आपका बर्थडे है? जी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आपका ये तोहफा भरी महफिल में मिलेगा तब भी कबूल करूंगा। देखिए हम तो ऐसे ही चले आए, ना कोई तैयारी ना आपके लिए कोई। तैयारी में कितना वक्त लगता है दीपक बाबू? यस सर। इन्हें इनके कमरे तक पहुंचा दो। जी आइए। दीपक,
हम तो सब कुछ हार गए, अब क्या होगा? अरे बाबा मैं हूं ना, क्यों फिक्र करती हो? हाँ रिलैक्स। बेटे प्रकाश बेटे ने ज्योति बिटिया के लिए ये बढ़िया तोहफा भिजवाया है और वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों का नीचे। जी पहुंचते हैं। ओके ओके आओगे? बिल्कुल। गुड बॉय। प्रकाश ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। अरे खोलो खोलो इसे। से नहीं पहनूंगी। क्या पागल हो गई हो? जब हमने उसकी दावत कबूल कर ली तो इस ड्रेस का क्या है? फटाफट तैयार हो जाओ, प्रकाश इंतजार करता होगा। प्रकाश बाबू वाह, जब आप जुआ खेलते हैं तो पक्के जुआरी नजर आते हैं, जब आप म्यूजिक बजाते हैं तो कला के पुजारी नजर आते हैं। समझ में नहीं आता आपको किस नाम से पुकारा जाए। दीपक बाबू, यही तो प्रकाश बेटे की खासियत है कि जो भी इससे मिलता है इसे कोई नया नाम दे देता है। कोई इसे परवाना कहता है तो कोई मस्ताना और कोई दीवाना। हे 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 आ
आपकी कहानी सुनकर मुझे आपके दोस्त मदन पर रहम आ रहा है। वो बेचारा आपकी मोहब्बत की खातिर मुसीबत में फंस गया। उसी की वजह से तो मैं भी परेशान हूं। मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि इस खुदगर्ज दौर में मदन जैसे जज्बाती लोग जिंदा कैसे हैं, जहां हर चीज बिकाऊ है। प्रकाश बाबू, आपका नजरिया बिल्कुल गलत है कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है। दीपक बाबू, लगता है आपने दुनिया देखी ही नहीं। दीपक बाबू, सत्युग में माए फक्र से अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी, कलयुग में हर चीज बिकने लगी है तो माए भी बाजार से दूध खरीद कर अपने बच्चों को पिलाती है, फिर उसी बच्चे के लिए स्कूल का एडमिशन खरीदना पड़ता है, उसकी पढ़ाई के लिए टीचर का वक्त खरीदना पड़ता है, और जब वो जवान होकर डिग्री हासिल कर ले तो उसके लिए नौकरी खरीदनी पड़ती है। इस दौर में सब कुछ बिकता है दीपक बाबू, सब कुछ बिकता है। अगर आप भी अपनी मजबूरी सुनाकर किसी से पैसे मांगने जाएंगे तो वो भी आपकी कोई ना कोई चीज खरीदने की कोशिश जरूर करेगा। प्रकाश बाबू, अगर मेरे पास ऐसी कोई भी चीज होती जिसे मैं बेच सकता तो भगवान की सौगंध मदन और आशा के लिए जरूर बेच देता। है दीपक बाबू, आपके पास है। मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा अगर आप अपनी बीवी की एक रात मुझे बेच दें तो। चिल्लाओ मत खुदगर्ज इंसान, चिल्लाओ मत। तुम एक रात अपनी बीवी से जुदा रहने को तैयार नहीं। अरे सोचो, उस मासूम बेगुनाह मदन के बारे में सोचो। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी पत्नी को पूरी जिंदगी उसकी जुदाई में गुजारनी पड़ेगी। अगर हर जगह से मायूस हो जाओ तो दुकानदार बनकर इस खरीदार के पास आ जाना। दीपक, उस बकवास के बारे में जितना सोचोगे टेंशन बढ़ेगा। वो एक हादसा था जिसे भुलाना ही अक्लमंदी है। कैसे भूल जाओ ज्योति, कैसे भूल जाओ कि हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि उसकी बकवास सुनकर भी खामोश रहा। बकवास का जवाब नहीं दिया जाता। अब तुम सारी बातों को भूलकर आराम से सो जाओ। दीपक को तो पैसों की कोई चिंता ही नहीं है, वो तो रात भर ज्योति के साथ घूमता रहा। पगली, ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर पैसों का इंतजाम कर रहे हों। मैं सोच रही हूँ, भगवान ना करे अगर कहीं पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा। होगा क्या, मुझे जहर खा लेना पड़ेगा। अपनी बदनामी और शक्ति सिंह के जुर्म का सामना मैं नहीं कर सकता। दीपक, अपनी जमीन बेच क्यों नहीं देता? भैया दीपक, 4 महीने के बाद तो तेरी जमीन का मालिक होगा, हैं? और आज ही सौदा करना गया। सेठ जी, ये जमीन 80 सालों से आपके पास पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप ही के पास रहे। अरे भैया, ये फैसला करने का अभी तो तने 4 महीने के बाद होगा। पर सेठ जी, अगर मुझे पैसे कल तक नहीं मिले तो अनर्थ हो जाएगा। सेठ जी, तने 25 लाख रुपए की जरूरत है ना? जी हाँ। इबे काम कर, मैं तने 25 लाख दू, तू अपनी जमीन सदा के लिए मारे नाम कर दे। ठीक है सेठ जी। अरे मुनीम जी, जाओ उसे ठाणे के न पीछे ले आओ। ले भाया, साइन कर दे, लिखा पड़ी मारा वकील कर लेगा। अरे तैं हाथ रोकेगा तो मैं मुनीम न रोक दूंगा। चल दस्तखत कर, साइन कर, साइन।
शाबाश। ले भाया गिन ले, पूरे 25 लाख है। सेठ जी ठीक ही होंगे। जा। भैया जरा बांद्रा चलना। अरे साहब एक प्रॉब्लम हो गया, आज जल्दी जल्दी में मैं अपना लाइसेंस घर भुलाया। अगर किसी पुलिस वाले ने रोका तो खामखा आपको तकलीफ होगी, और वैसे भी मेरा घर रास्ते में ही है। अगर आप कहें तो मैं अपना लाइसेंस ले लूं। ठीक है ले लो, मगर ज्यादा वक्त मत लगाना। हाँ मैं अभी आया। अरे चंदू कानिया, मेरी टैक्सी पे एक लौंडा बैठा है, चिकना है, उसके पास एक बैग है, लगता है बहुत भारी है। अबे तू फिकर मत कर, अभी हल्का कर देते हैं, चलो। फिकर मत करो, अगर मदन के पैसों का इंतजाम न हुआ तो हमारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुंह हाथ धो लो, खाना खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ज्योति, अरे आशा दीदी। हाँ? आपने ज्योति को कहीं देखा? हाँ वो मुझे कहकर गई थी कि मैं तुम्हें बता दूं, वो अपने डैडी के पास गई है। डैडी के पास? अगर हालात से तंग आकर
धर्मदास की बेटी आई है तो मैं उसकी वापसी की कीमत 25 लाख भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर दीपक की पत्नी आई है तो उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तारी, आपकी बेटी में तो इतनी हिम्मत थी कि वो आपकी करोड़ों की जायदाद ठुकराकर चली गई थी, मगर वक्त के हाथों मजबूर होकर इस वक्त दीपक की पत्नी आपके पास आई है। दीपक की पत्नी, हमें अगर अपनी बेटी का सुहाग बचाना होता तो हम अपनी सारी जायदाद कुर्बान कर देते, लेकिन हमारी नजरों में दीपक की कोई अहमियत नहीं। अगर उसकी पत्नी का सुहाग उजड़ रहा है। नहीं धर्मदास सेठ, नहीं, मैं एक भारतीय नारी हूँ और अपना सुहाग बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। For your information, Mr. धर्मदास, तुम्हारे बहुत से बैंकों में से एक बैंक ये भी है। ज्योति कहाँ है? कहाँ है ये पता करना तुम्हारा फर्ज है। बेवकूफ लड़की अपने गुस्से में मुझे बहुत बड़ा चैलेंज करके चले गई, इससे पहले कि वो अपने पागलपन में औरत की मान मर्यादा भूल जाए, जाके ढूंढो उसे। देखो वो कहाँ है, जाके ढूंढो। ये दयाल चाचा यहाँ क्यों आए थे? अरे यार, ये 25 लाख रुपए जो तूने भिजवाए थे वही देने आए थे। 25 लाख मैंने? क्यों, क्या बात? ज्योति, प्रकाश कहाँ है? जी वो अभी टेरिस की तरफ गए हैं। उनके साथ कोई ज्योति नाम की लड़की थी? नाम तो मुझे मालूम नहीं, हाँ एक लड़की उनके साथ जरूर गई है। हुस्न को और हसीन बनाने के लिए अंदर सारा सामान मौजूद है, आप तैयार होकर आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं।
बटन लगाना भूल गई है। ज्योति जी एक बात बताइए, आप यहां खुद आई हैं या इसमें दीपक की भी रजामंदी है? प्रकाश बाबू, दुकानदार मिटने के लिए तैयार था मगर अपना सामान बेचने को नहीं, सामान से उजड़ती हुई दुकान देखी नहीं गई, इसलिए खुद खरीदार के पास चली आई। प्रकाश बाबू, औरत की मांग में सिर्फ एक चुटकी सिंदूर भरा जाता है मगर उसमें बोझ कितना ज्यादा होता है उसका एहसास मुझे आज ही हुआ है। भगवान शायद मेरे सुहाग को उजाड़ना चाहता था मगर मैं उसे बचाने के लिए खुद उजड़ने चली आई। ज्योति जी, जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो हम दोनों भी अपनी तकदीर का फैसला भगवान पे छोड़ देते हैं। अगर हेड आया तो आप जैसे आई थी वैसी वापस चली जाएंगी, और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाहता हूं। दीपक के ज्योति, ज्योति प्रकाश, दीपक के ज्योति, ज्योति में प्रकाश। मेरी मोहब्बत का, मेरे अरमानों का कातिल तो कोई और है, फिर ये खून तुम्हारे होठों पे कैसे लग गया ज्योति? मिटा दो इसे। कहीं ये दुनिया वाले ना समझ बैठे कि तुम गुनहगार। देखो आशा, तुम चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी हम लोग जा ही रहे ना। अच्छा, ये छुट्टी की दरख्वास्त मैं दीपक को दे आता हूँ, वो बैंक में दे आएगा, तुम सामान भर लो। ओके जी। मदन भैया, आप? भाभी, सुबह सुबह टेलीग्राम आ गया कि आशा की डैडी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हम लोग दोनों बैंगलोर जा रहे हैं, आप ये एप्लीकेशन दीपक को दे दीजिए, वो बैंक में दे आएगा। दीपक, मदन भैया और आशा बैंगलोर जा रहे हैं, ये एप्लीकेशन दी है बैंक में देने के लिए, मैं उनसे मिलकर अभी आती हूँ। तुम तो कहीं भी अपनी मर्जी से चली जाती हो, तो फिर मदन के घर जाने के लिए मुझसे कहने की क्या जरूरत है? हाँ,
दीपक बाबू, तुम मुझे देखकर चौंक गए ना? हर आदमी अपने जमीर से मिलकर इसी तरह चौंकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जो तुमने अभी ज्योति को तंज किया, क्या इसका हक है तुम्हें? तो क्या करूं, उसकी पूजा करूं, क्या उसकी आरती उतारूं? हाँ हाँ, अगर आज ज्योति ना होती तो तुम भी जहर खाकर मर चुके होते। अरे मर गया होता तो अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो देखना पड़ता। और तुम्हारी वजह से जो दिन ज्योति को देखने पड़े उसके बारे में सोचा कभी? ज्योति ने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अगर तुम्हारी नजर में पापी ज्योति है तो मेरी नजर में इस पाप के जिम्मेदार तुम हो। पापी तुम हो, तुम हो दीपक, पापी तुम हो। तुमने हाथों से ज्यादा गालों पे आटा लगा रखा है। हाँ? ना 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 ना। ये लो चाय। दीपक, मेरे गाल पर कुछ लगा है क्या? मेरे दोनों हाथ में कप है, जरा साफ कर दो ना। ये दाग तो साफ हो जाएगा, मगर वो दाग जो तुम लगा कर आई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत साफ नहीं कर सकती। हाँ। लगता है? अच्छा तो मुझे तुम्हारा किसी और के साथ रहना भी नहीं लगता, मगर तुम रहकर आई हो तुम, और उस पर हिम्मत ये कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात भी कर लेती हो। क्यों? हिम्मत इसलिए है दीपक, क्योंकि मैं जानती हूं मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप नहीं किया तो क्या उस दिन तुम्हारा पुजारी प्रकाश अपनी इस ज्योति देवी को किसी मंदिर ले गया था, ताकि वहां जाकर 25 लाख रुपए अपनी देवी के चरणों में अर्पण कर सके? क्यों? वो पुजारी है या मैं देवी ये तो नहीं जानती। हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि हालात मुझे जरूरत की डोर से बांधकर ऐसी मंजिल पर ले गई जहां पहुंचकर मैं अपना सुहाग बचा सकी। दीपक, यहां से गई भी तुम्हारी पत्नी थी और आई भी तुम्हारी पत्नी। धन्य हो ज्योति देवी, धन्य हो, आपने समुद्र में डुबकी तो लगाई मगर गीली नहीं हुई। डुबकी तो लगाई मगर गीली नहीं हुई। गीली ज्योति बिटिया, प्रकाश ने ये पेपर्स भेजे तुम्हारे लिए।
अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। आपके प्रकाश बाबू इस वक्त कहाँ मिलेंगे? इस वक्त वो होटल किंग में होंगे। ओके बाय। मिस्टर प्रकाश, तुमने मुझे घर खरीद के देने की हिम्मत कैसे की? ज्योति जी, आपको तो ऐसे गुस्सा आ रहा है जैसे मैंने आपको घर नहीं बहुत बड़ी गाली दे दी। ओह गॉड, तुम अपने आप को समझते क्या हो? गुस्से में आपका जितना दिमाग खराब है उससे कहीं ज्यादा तो आपने शरीफ आदमी के कपड़े खराब कर दिए। आई एम रियली सॉरी मिस्टर कपूर। आपको जो कुछ पूछना बाहर चल के पूछिए। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। आइए आइए। ज्योति जी, अंदर वालों के तो अपने कपड़े खराब कर दिए, अब यहां मेरे जितने कपड़े फाड़ सकती हैं फाड़ लीजिए, क्योंकि बगैर कपड़ों के सिर्फ आप। प्रकाश बाबू, आप अपनी हद से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योति जी, मेरे ख्याल से उस रात को हम दोनों ने अपनी अपनी हदों का अंदाजा लगा लिया था। मेरी खुशियों को तो उस रात के अंधेरे निकल गए, और आपका ये बंगला मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ देगा। प्रकाश बाबू, वो घर मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा पति, मेरा भगवान रहता है। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आपका दिया हुआ बड़े से बड़ा बंगला मेरी नजर में जेल की काल कोठरी है, जिसमें रहकर मैं घुट घुट कर मरना कभी पसंद नहीं करूंगी। ज्योति जी, उस रात की कीमत देना मेरी हवस थी, मगर अब जो भी मैं आपको देना चाहता हूं वो सिर्फ एक दोस्त का दिया हुआ तोहफा है, जिसमें कोई लालच नहीं। आपकी दोस्ती मेरे पति को मेरे साथ दुश्मनी करने पर मजबूर कर सकती है। बेहतर होगा आप हमारी जिंदगी में आने की कोशिश ना करें। ने मुझे मजबूर कर दिया है, मगर इतना कमजोर नहीं किया कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने सब कुछ करता हुआ देखकर भी खामोश रहो। दीपक, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस पर तुम्हें गुस्सा आए। जिस औरत की आंख का पानी मर जाता है ना, वो तुम्हारे ही अंदाज में बात करती है। अरे तुम्हें तो उसी दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए था जब तुम प्रकाश के बिस्तर पर सोकर आई थी। दीपक, इससे पहले कि शक की चिंगारी ज्वालामुखी बनकर हमारे हंसते खेलते घर को जला डाले, तुम जरा ठंडे दिमाग से मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या सुनाओगी तुम? हाँ, क्या सुनाओगी? अपनी झूठी मनगढ़ंत कहानियां? सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं, सच्चाई ये है कि मेरे पास उजड़ा हुआ मकान है और प्रकाश के पास आलीशान बंगले, कि मेरे पास टूटा हुआ पलंग है और प्रकाश के पास मखमली गद्दे, कि मेरे बदन से तुम्हें पसीने की बदबू आती है और प्रकाश के बदन से लिपट गया तुम्हें। तुम्हारे पसीने से तो नहीं, हाँ आज तुम्हारे विचारों से ऐसी बदबू आने लगी है कि अगर मैं कुछ देर तुम्हारे साथ रह गई तो मेरा दिमाग फट जाएगा। बेहतर यही है कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं। अरे मैं भी तो यही कहता हूं कि चली जाओ इस घर से, क्योंकि यहां पर हर चीज सस्ती जरूर है, मगर तुम्हारी तरह किसी की झूठन नहीं। दीपक, मैं जा रही हूं, मगर जाते जाते एक बात बताना चाहती हूं। गाड़ी, बंगले और मखमली बिस्तर देखकर उनकी नीयत खराब होती है जिन्होंने ये सब देखा ना हो, और मैं तो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत पहले छोड़कर आई थी।
मेहता को कहना ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल करके मुझे कल सुबह दिखाएं। एक बात कहूं सर? कहिए, क्या बात है? सर, फैक्ट्री के लिए जो जमीन आज मैं देखने गया था, उसकी डील ज्योति जी कर रही हैं। ज्योति? मैं कुछ समझा नहीं। सर, वो एक महीने से किसी स्टेट एजेंट की नौकरी कर रही हैं। सुना है उनकी दीपक बाबू से कुछ अनबन हो गई। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। ज्योति को काम करने की क्या जरूरत थी? जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा हासिल करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने तो सिर्फ नौकरी की है। लोगों को यह कभी मालूम नहीं होगा कि मैं सेठ धर्मदास की बेटी हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मर भी गई तो आपके नाम का बोझ अपने साथ नहीं रखूंगी। मेरा ख्याल है अब आप बेफिक्र घर जा सकते हैं। दीपक, बिल्डिंग्स तो मैंने बहुत बनाई और लोगों ने पसंद भी बहुत किए, लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी जब मैं अपनी एमजी रोड की जमीन पर एक प्रेम नगर बनाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेम नगर का डिजाइन तुमसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। और जानते हो दीपक, उसकी बुनियाद, उसकी दीवारें, उसकी छत, उसकी फर्श किसकी बनेगी? जी सर, उसकी बुनियाद प्यार की, छत ख्यालों की, दीवारें विश्वास की, और फर्श वफा का होगा। बहुत खूब भाई, वाह दीपक, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सपना जरूर पूरा करोगे। ऑल द बेस्ट। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जिस ग्राहक को घर दिलाएं उसमें पानी, हवा या रोशनी की तकलीफ ना हो। और एक बात घर में सबसे ज्यादा जरूरी है, घर वाली। आप यहाँ? जी हाँ, मुझे पता चला कि घरों को आबाद करने की सबसे अच्छी जगह यही है, तो मैं भागता हुआ यहाँ चला आया। आप मेरा घर आबाद कर देंगी ना? देखिए, आपको जो भी बात करनी है ऑफिस में जाकर हमारे बॉस से कीजिए। ठीक है, अगर आप हर काम अपने बॉस के कहने से ही करती हैं तो मैं उनसे जाके मिल लेता हूँ। बाय। मिल जाएगा, और ठीक वैसा ही मिल जाएगा जैसा आप चाहें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपके तो इतने सारे बंगले खाली पड़े हैं, फिर आपको नए घर की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत ही मुझे आपके पास तक खींच के ले आई है। अब आप जल्दी से अपनी वो एजेंट को बुला लीजिए, क्या नाम है उसका? हाँ, ज्योति। और आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। जी, मैंने उसे यहीं बुलाया है, ज्योति अभी आती होगी। वो देखिए आ गई। पसंद नहीं आए, आखिर आपको कैसा घर चाहिए? जिसमें घर वाली हो। जी? मेरा मतलब है कि बड़े घर के सामने छोटा ना लगे, और छोटे घर के सामने बड़ा ना लगे, झोपड़े के सामने महल ना लगे, और महल के सामने झोपड़ा ना लगे, और जिसे मैं देखूं तो बस देखता ही रह जाऊं। मिस्टर प्रकाश, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको कोई घर वर नहीं चाहिए। मेरे बॉस का ऑर्डर था, इसलिए मैंने सारा दिन आपके साथ बेकार कर दिया। अपने बॉस का ऑर्डर मानना ही तो आपकी ड्यूटी है ज्योति जी। जी हाँ, और मैं अपनी ड्यूटी 5:30 बजे तक निभाती हूँ। और मेरा नसीब अच्छा है कि अब 5:30 बज चुके हैं, मेरी ड्यूटी खत्म। गुड बाय।
मुझे अगर मालूम होता कि मुझे आपके पास आना है तो मैं कभी नहीं आती। मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने तुम्हारे बॉस को अपना नाम बताने से मना किया था। प्रकाश बाबू, या तो आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। ज्योति जी, ये फैसला भी मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? घबराइए मत, सिर्फ 5 मिनट के लिए आराम से बैठकर मेरी बात सुन लीजिए। ज्योति जी, इंसान पैदाइश से लेकर मरते दम तक ही बहुत मतलबी होता है। वो हमेशा उसी के पास रहना चाहता है जिसके पास उसे सुकून मिले। देखिए ना, छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ के पास रहना पसंद करता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने बाप के पास रहना पसंद करता है, फिर कुछ दिन बाद अपने दोस्तों के साथ, फिर बीवी बच्चों के साथ, और जब उसे एहसास होता है कि ऊपर वाले का बुलावा कभी भी आ सकता है तो वो पूजा पाठ के बहाने भगवान के पास रहना पसंद करता है। ज्योति जी, मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने अपनी पसंद की हर चीज को हमेशा खरीदा है, मगर उस रात आपसे मिलकर ऐसा लगा कि मजबूरी से तंग आकर आप टूट तो सकती हैं मगर बिक नहीं सकती। उसी वक्त मैंने यह फैसला कर लिया कि अगर अब किसी से दोस्ती रखूंगा तो वो सिर्फ आप होंगी। घबराइए मत, मेरी इस दोस्ती से कोई लालच नहीं, सिर्फ वो पसंद है जो इंसान की फितरत है। ये हाथ बुरे तो हो सकते हैं मगर इतने गंदे नहीं कि दोस्ती के काबिल ना बन सके। अरे सर। हाय दीपक, कैसे हो भाई? बस ठीक हूँ सर। भाई तुमने प्रेम नगर कॉलोनी तो बहुत खूबसूरत बनाई है। सर, जिस चीज के साथ प्रेम जुड़ा हो वो खूबसूरत तो बनेगी ही। भाई ये बात तो तुमने सही कही है, लेकिन उसे खूबसूरत बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैंने उसमें 25% शेयर तुम्हारा भी रखा है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलेंगे। ओके सर, टेक केयर। ओके बाय। बाय। इस खुशी का क्या फायदा जब तेरा साथ ही न रहा। आपको मिसेस दीपक कहूं या मिसेस प्रकाश? मिस्टर दीपक, ये जगह ऐसी बातें करने की नहीं है। मिस्टर प्रकाश, मैं आपसे नहीं ज्योति से बात कर रहा हूं। मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। जिस औरत को सिक्कों की खनक सुनने की आदत पड़ जाए वो तो किसी और की बात कैसे सुनेगी। प्रकाश चलो यहां से। अरे जाती क्या हो, अभी तो मैं लोगों से तुम्हारा तारुफ कराऊंगा। दीपक बेटे, प्रकाश क्या हो गया थे? दयाल अंकल, आप ज्योति को घर पहुंचाइए, मैं इन्हें संभालता हूँ। आप बेटी आप मेरे साथ आप चलो। पचास हजार 1, 50,002, 50,003,
हाँ तो साहिबानों, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। अब आप इस खूबसूरत नायाब मूर्ति की कीमत लगाइए। इसकी बोली की शुरुआत होती है 80,000 से। 80,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,00,001, 1,00,002, 1,10,000, 1,10,001, 1,10,002, 1,10,003। साहिबानों, चीजें चाहे जितनी भी खरीद ली जाएं, मगर उनको रखने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है घर। लगता है इस घर से तुम्हारा गहरा संबंध है। तकदीर ने इस घर से कभी मेरा संबंध होने नहीं दिया। हाँ तो साहिबानों, इस खूबसूरत आलीशान मकान की बोली की शुरुआत होती है 12,00,000 से। 12,00,000, 15,00,000, 15,00,000, 15,00,001, 20,00,000, 20,00,001, 20,00,002 और 20,00,000, 50,00,000। इस घर को इस कीमत पर कोई दीवाना ही खरीद सकता है। ₹50,00,001, ₹50,00,002, ₹50,00,003। इस घर को खरीदा तो मैंने है, मगर इसकी मालकिन वो है। खरीदा है। जिंदगी में एक ही तमन्ना थी कि घर तुम्हें तोहफे में दूं। प्रेमनगर कॉलोनी बनाकर जो 75,00,000 रुपए मुझे कमीशन के मिले, तो उसमें से एक घर तुम्हें ले दिया। 25,00,000 रुपए प्रकाश के घर भी भिजवा दिए। Thank you.
मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? बुलाने की तो खास वजह है, आप आराम से बैठिए, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। ज्योति, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आज तुम्हें यहां बुलाने की सिर्फ एक ही वजह है कि उस रात की हार को जीत में बदल दूं। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि उस रात को दीपक की पत्नी मेरे पास आई थी और वापस गई थी दीपक की पत्नी। आज आई है यहां दीपक की पत्नी, मगर वापस जाएगी प्रकाश की महबूबा। उस रात को यह सोचकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था कि मजबूरी में नहीं, जिस दिन यह बदन मोहब्बत से मेरे पास आएगा अपना लूंगा। मगर यह मेरी बेवकूफी थी ज्योति देवी, बेवकूफी। तुम तो दीपक की मोहब्बत में कैद हो, और जब तक मैं शरीर को हासिल नहीं कर लूंगा तब तक तुम उसकी कैद से बाहर नहीं आ सकती। प्रकाश बाबू, उस दिन एक पत्नी अपना सुहाग बचाने के लिए मजबूर हो गई थी, मगर आज दीपक की पत्नी अपनी इज्जत बचाने के लिए आपसे तो क्या सारी दुनिया से टकरा सकती है। ज्योति देवी, भूल कर भी ये गलती ना करना, क्योंकि प्रकाश से जो भी चीज टकराती है टूट जाती है। हालात ने उस रात मुझे जरूर तोड़ दिया था, मगर अब तुम मेरे साए को भी नहीं छू सकते, क्योंकि मेरे पति ने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं। पैसे तो दे दिए, मगर उन पैसों का ब्याज मैं तुम्हारे शरीर को हासिल करके ही वसूल करूंगा। उस रात ये तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मेरे पास आई थी और मैंने इसे छोड़ दिया। अगर तुम में हिम्मत है तो आज इसे बचा लो। कमीने, तूने हमारी खुशियां छीन ली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज्योति, तुम इस कमीने को बचाना चाहती हो? इससे नहीं, अपना सुहाग बचाना चाहती हूँ। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें भी सजा हो जाएगी। मैं तुमसे दूर रहकर तो जी सकती हूँ, मगर तुमसे जुदा होकर नहीं। चलो चलो दीपक। अरे प्रकाश बेटे, ये सब तुमने क्या किया? अगर मुझे मालूम होता कि तुम ये ड्रामा करने वाले हो तो तुम्हारे कहने पे मैं दीपक को यहाँ कभी ना लाता। दयाल अंकल, अगर आप दीपक को यहाँ ना लाते और मैं ये ड्रामा ना करता तो उन दोनों का मिलन कभी नहीं होता। मगर उन दोनों को मिलाने के लिए तुम्हें अपने आप को उनकी नजरों में गिराने की क्या जरूरत थी? दयाल अंकल, राम की कदर तो सिर्फ सतयुग में हुआ करती थी, अगर कलयुग में वो पैदा भी हो जाएं, तो उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं जब तक राम बना रहा वो दोनों जुदाई में तड़पते रहे, आज मैं रावण बना तो वो दोनों कितने खुश हैं। तुम्हारे जीने का अंदाज मेरी समझ में तो आया नहीं। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो
तो फिर उस रात की कीमत देकर ज्योति को बुलाने की क्या जरूरत थी? दयाल अंकल, मैंने हमेशा हसीन जिस्म खरीदे हैं। उस रात जब ज्योति मेरे करीब आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने एक जिंदा लाश खड़ी है, और लाशों से खेलना प्रकाश की आदत नहीं। उस रात को यह सोचकर मैंने ज्योति को वापस कर दिया कि मैं उसे मोहब्बत से हासिल करूंगा, मगर वो मेरी गलतफहमी थी। दयाल अंकल, दीपक दिल है और ज्योति उसकी धड़कन, उन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। क्या ये वही प्रकाश बोल रहा है जिसने जिंदगी भर कभी अपनी हार बर्दाश्त नहीं की? हाँ दयाल अंकल, आज आपका प्रकाश हार गया, मगर इस हार में जीत से ज्यादा मजा आया। मुझे खुशी तो इस बात की है कि मैंने जिंदगी में हर चीज का सौदा तो किया है, मगर खोटे सिक्कों से नहीं। आप जैसे आई थी वैसी वापस चली जाएंगी, और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाहता हूं। प्रकाश, तुमने मेरे सुहाग के रूप में जो अपनी दोस्ती का तोहफा दिया है, मैं जीते जी तुम्हारी दोस्ती को नहीं भुला सकती। फरिश्ते आसमान पर ही रहा करते हैं,